नहीं मांगता ऐ खुदा जिंदगी 100 साल की दे, दे भले चंद लम्हों की लेकिन कमाल की दे। और जिंदगी को बनाने में और इसको बनाए रखने में बालों का बहुत योगदान रहता है। कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए, अपने आप को कहीं भी स्टैंड अप करने के लिए बालों का योगदान, आपका लुक का योगदान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आज मुझको फिर से मेन ऑफ हेयर लगाते हुए अराउंड 1 साल हो गया है। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे हेयर केयर प्रोडक्ट्स यूज़ किया है और यूट्यूब पे मैंने वीडियोस भी अपलोड किया है। उसके 2 साल पहले भी मैंने अराउंड 3 साल के लिए मिनोक्सिडाइल लगाया था। तो इन ऑल मैं मिनोक्सिडाइल को लगाते हुए 4 साल इन एंड अराउंड हो चुका है। अभी जब से मैं मिनोक्सिडाइल लगा रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 1 ईयर अभी फिर से, तो अराउंड 4.5 मंथ्स के लिए मैं मिनोक्सिडाइल मोर एफ 10% यूज़ किया। उसके साथ रेगुलरली 4.5 महीने फॉलीहेट टैबलेट वंस अ डे लिया था, प्लस कैटेकनोजोल्स शैम्पू लिया था 2% वाला, थ्राइस अ वीक वॉश करता था बालों को, जिस दिन शैम्पू करना रहता है उस दिन कोकोनट हेयर ऑयल से अच्छे से मसाज करना है अराउंड 2 या 3 घंटे पहले। यही करते हुए मुझे 1 साल हो गया है और मेरी बालों की इम्प्रूवमेंट कितनी हुई है आज के वीडियो में मैं बस आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाला हूँ। प्लस शेयर करने वाला हूँ मेरे बिफोर और आफ्टर पिक्स। नमस्कार भाई लोग, और बहुत 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 स्वागत है आपके अपने शो स्टॉप हेयर फॉल शो में। जिन भाई लोग ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लस ये वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और आज मुझको पूरा फिर से मिनोक्सिडाइल लगाते हुए 1 साल कंप्लीट हो गया है। स्टार्टिंग में 4.5 महीने तक मिनोक्सिडाइल 10% लगाया, रिजल्ट मिला और उसके बाद ही मैंने 5% पे ऑप्ट किया मिनोक्सिडाइल का, रिजल्ट सिर्फ मेंटेन करने के लिए। भाई लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, पॉजिटिव कमेंट आते हैं टू इक्विवेलेंट टू दैट नेगेटिव कमेंट भी आते हैं, 50-50 का ही इक्विवेलेंट चलता है, रेशियो चलता है। तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आ रहे थे कि क्लियर अपना स्टेटस अपलोड किया करो छत पे प्लस रोशनी में। तो भाई लोग सुबह की रोशनी सूरज की, इससे क्लियर वीडियो व्यू कोई भी नहीं दे सकता जितना मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ आज। तो आते हैं अपने स्टेटस पे। तो अराउंड 4.5 महीने तक कंटिन्यू मैंने 10% लिया मिनोक्सिडाइल मोरेफ। अभी मैं हेयर फॉर यू 5% ले रहा हूँ, पहले भी वंस अ डे लेता था, अभी भी वंस अ डे ही मिनोक्सिडाइल लगाता हूँ। इसके साथ फॉलीहेट टैबलेट 4.5 महीने तक वंस अ डे लेता था, उसके बाद से अभी हार्डली थ्राइस और ट्वाइस अ वीक ही लेता हूँ, प्लस कैटेकनोजोल शैम्पू लेता हूँ 2% थ्राइस अ वीक बालों को साफ करता हूँ, प्लस शैम्पू के 2 घंटे पहले जिस दिन शैम्पू करना रहता है उसी दिन कोकोनट हेयर ऑयल, पैराशूट कोकोनट हेयर ऑयल से मसाज करना है और बाद में शैम्पू करना है। यही मेरा अभी तक का फंडा चल रहा है। और रिजल्ट कितना मिला है इसके लिए आप मेरा सबसे पहले पुराना बिफोर पिक्स देखें और वापस आए। ये बिफोर पिक्स देख सकते हैं, वीडियो है इनफैक्ट अराउंड 4 साल पहले का, जब मैं 10 डेज हेयर ऑयल लगाता था। आप मिड स्कैल्प एरिया देखते हैं पूरा खाली दिख रहा है, टेम्पोरल एरिया, हेयर लाइन कितनी रिसीड हो रही है वो टेम्पोरल एरिया देखें आपको अनुमान हो जाएगा, मिड स्कैल्प एरिया देखें आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाउ माई कंडीशन वॉज बिफोर अराउंड 4 ईयर्स। ये पिक्स देख सकते हैं, ये अराउंड 3 साल पहले के ही हैं, ये इनफैक्ट 2 साल पहले के ही ये पिक्स हैं अभी के। और कितना हेयर लाइन रिसीड हुआ है, मिड स्कैल्प एरिया तक जा चुका है बाल्डनेस, वो क्लियर व्यू हो रहा है। भाई लोग अभी आपने बिफोर पिक्स देखा, अभी की क्या स्टेटस है उसके लिए भी मंथ वाइज 1 साल तक का अभी का स्टेटस वाला पिक्स वीडियोस देखें और वापस आए। ये पिक्स देख सकते हैं मिनोक्सिडाइल लगाने के पहले के ही हैं और ये अराउंड 1.5 महीने बाद का मिनोक्सिडाइल लगाने के बाद का है, ये 3 महीने के बाद के पिक्स हैं।
ये 4.5 महीने बाद मिनोक्साइड लगाने के पिक्स हैं, इम्प्रूवमेंट दिखने लग गया था अराउंड 6 मंथ के बाद का पिक्स है। आप लोग देख सकते हैं मिड स्कैल्प एरिया से कंपैरिजन कर सकते हैं पुराना वीडियो से प्लस अभी का वीडियो से। ये अराउंड 7.5-8 महीने बाद के पिक्स आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ और इम्प्रूवमेंट ये वाले पिक्स पे देखिए कितना सही हुआ है। ये वीडियो देख लें, आप लोग के लिए ही लेके आया हूँ, कंपैरिजन करें कितना इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। हेयर लाइन देखें, मिड स्कैल्प एरिया देख सकते हैं आप लोग, टेम्पल एरिया देख सकते हैं, बोथ टेम्पल एरियाज कितना सही इम्प्रूवमेंट मिला है। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनको भी इतना शानदार रिजल्ट आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं मिला है जितना इनफैक्ट मुझको सिर्फ और सिर्फ मिनोक्सिडाइल इटसेल्फ से मिल चुका है। आप लोग भी खुद ही कंपेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में श्योरली कमेंट करना कि कितना इम्प्रूवमेंट आपके अकॉर्डिंग हुआ है। ये देख सकते हैं ये वीडियो, हेयर लाइन ये अभी की पिक्स हैं, यही मंथ की पिक्स हैं, जनवरी इंपैक्ट की ही पिक्स हैं। ये आप देख सकते हैं क्लोज लुक इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में श्योरली कमेंट करना कि आपके अकॉर्डिंग कितना है। भाई लोग अब आते हैं कि पर डे हेयर फॉल आपका कितना होता है। टू सम एक्सटेंट भाई लोग क्लियर बोल रहा हूँ, जब मिनोक्सिडाइल लगाते हैं वही टाइम में ही अराउंड 10 से 15 बाल गिरते हैं, प्लस जिस दिन शैम्पू करते हैं उस दिन इतना ही इक्विवेलेंट बाल गिरते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट कॉम्बिंग के टाइम या बाल को हाथ फैलाते टाइम कभी भी बाल गिरते नहीं हैं। तो भाई लोग इतना क्लियर पिक्स मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर करता हूँ, फिर भी नेगेटिव कमेंट थोड़े ज़्यादा आते हैं। इसके लिए मैं आज उनके लिए भी बहुत कुछ लाया हूँ। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप लोग मुझे जानते हो पहचानते हो उतना ही काफ़ी है। अच्छे ने अच्छा बुरे ने बुरा जाना है हमें, क्योंकि जिसकी जितनी ज़रूरत उतना ही पहचाना है हमें। भाई लोग नेगेटिव कमेंट करने से पहले आप मेरा बिफोर के पिक्स अराउंड 3-4 साल पहले के जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं वहीं देखें और आज की वीडियो से कंपेयर करें और फिर कमेंट सेक्शन में आया करें, तभी ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि मैं कभी भी कोई सी भी गलत इन्फॉर्मेशन आज तक शेयर नहीं किया है। इवन अलॉन्ग विद इट मुझे यूट्यूब से कुछ मैं एंडोर्समेंट तो करता नहीं हूँ, प्लस यूट्यूब से भी कोई अर्निंग नहीं होती है। आप लोगों को सर्च करना है कि हाउ मच आई एम अर्निंग, तो यूट्यूब में गूगल कर सकते हैं स्टॉप हेयर फॉल सून पर डे अर्निंग और मंथली अर्निंग और ईयरली अर्निंग, आपको क्लियर आंसर वहां से मिल जाएगा। मैं वीडियोस अपलोड करता हूं जस्ट फॉर हेल्पिंग यू गाइस जो मिसगाइड होके जिनको ज़रूरत नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट की फिर भी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं और बहुत लोगों को इवन आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट, यूट्यूब में बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, इवन आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट बराबर नहीं मिल पाता है जितना हमको मिनोक्सिडाइल से मिला है। और नो डाउट इन इट मेरे जो एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ उससे भी बहुत सारे सब्सक्राइबर को व्यूअर्स को बहुत सारी मदद मिली है। उन्हीं के मैं वीडियोस आप लोग के साथ के स्टडी में लेके आता रहता हूँ सो दैट जिन्होंने नहीं यूज़ किया है उनकी हेल्प हो प्लस कॉन्फिडेंस। चलें भाई लोग सबसे पहले एक क्लोज लुक ले लेते हैं कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, आप लोगों को भी क्लियर व्यू हो जाएगा। ये मिड स्कैल्प एरिया देख लीजिए, ये टेम्पोरल एरिया देख लीजिए, ये कितना हेयर लाइन रिसीड हुआ है ये देख लीजिए, है ना भाई लोग। प्लस कुछ नेगेटिव कमेंट आ रहे थे कि भाई लोग अगर इम्प्रूवमेंट तुम में हुआ है तो डायरेक्टली अपना बालों में उस्तरा फिला के दिखाया कर, तो दिस टाइम शॉली मैं आप लोगों के साथ उस्तरा फिरा के भी मैं आप लोगों के साथ वीडियोस जल्द ही शेयर करूँगा, बिकॉज आई नीड टू गिव आंसर्स टू एवरी कमेंट जो मेरे चैनल में या वीडियोस में आते हैं। और जो नेगेटिव कमेंट कर रहा है उनके लिए भी मैं लाया हूँ बहुत सारी चीज़ें। आज खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ, लापरवाह हूँ फिर भी सबकी परवाह करता हूँ, मालूम है कोई मोल नहीं मेरा फिर भी सबसे रिश्ता रखता हूँ।
भाई लोग नेगेटिव कमेंट करने वालों, जल्द ही आप लोग के ऐसा लिए ही मैं एक उसका फिरा के ही वीडियो लाने वाला हूँ। कितना ग्रो हुआ है वो आप लोगों को, या मैंने ट्रांसप्लांट कराया है वो भी क्लियर आप लोग के साथ हो जाए भाई लोग, है ना भाई लोग। आज के लिए इतना ही। जिन बंदों को भी मैं जेन्युइन लगता हूँ लाइक शेयर्स ज़रूर करें, और जिन भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा सपाट उस तरह फिरा के।